लोग सभा चोणां च बेअदबी का मुद्दा काफ़ी गरमा रहा है। जिथे चोणां दे मद्देनज़र पुलिस ते आर्मड फोर्सां वल्लों फ्लैग मार्च किया जा रहा, उत्थे ही मुतबाजी जथेदारां ने बेअदबी के मामले च अकाली दल खिलाफ़ रोस मार्च किया। यह रोस मार्च मुकतसर के इलाकों के नाल नाल फाजिलका च भी किया गया, जिस दौरान ध्यान सिंह मंड वल्लों अकाली दल उत्ते तिखे शब्दी हमले किए गए। ये अज खालसा पंथ जिहड़ा काला झंडा लेके आया है, काला झंडा ये कह रहा कि साडे मन दे विच बहुत वड्डा रोस आ, इस करके असीं पंजाब दीआं सड़कां दे उत्ते घूमदे फिरदे आ बहुत वड्डे काफले लैके, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, इत्थे कुरान शरीफ की बेअदबी हुई है, होर धर्मां की बेअदबी हुई है। असीं ये बिल्कुल नहीं जर सकते, साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। अज जिहड़े प्रकाश सिंह बादल दे राज दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, कुरान शरीफ की बेअदबी हुई, वह अज चोणां दे विच फिर खड़े ने। असीं किसी पार्टी वालों नहीं आए, साड़ी कोई पार्टी नहीं, ये गुरु का पंथ है, गुरु का खालसा है। पर असीं ये कह रहे हैं कि जिहड़े लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब के अंग गलियां ते नालियां दे विच खलारे ने, जिहड़े लोगों के राज दे विच गोलियां मार के शांतमई ढंग नाल बैठे सिंह शहीद किते ने, उन्हां नूं उवें खलार दिओ जिवें उन्होंने गुरु के अंग खलारे ने। प्रकाश सिंह बादल कह रहा है, सुखबीर सिंह बादल कह रहा है, तो हरसिमरत कह रही है कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की कराई होवे उन्हां दा कख ना रवे, ये तिन्हां दा बयान आ। पर आ जिहड़ा खालसा पंथ साडे नाल आया है, जां पूरे पंजाब दे विच बैठा, देश विदेश दे विच बैठा, उन्हां सारिआं दी भी यही अरदास है कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की कराई, जिन्हां दे राज दे विच बेअदबी हुई सच्चे पातशाह उन्हां नूं भी खिलार के रख दे, उन्हां दा रवे कख ना, दुनिया ते नामो निशान मिटा दे, क्योंकि पार्टी बंदा छड सकदा, यारी दोस्ती छड सकदा, पर गुरु नूं कोई नहीं छड सकदा। कि जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है उन्हां नूं असीं मूंह नहीं लवना, वह गुस्सा लोग 19 तरीक नूं कढ़णगे। नहीं, असीं इत्थे समाप्ति है, साडी लंबी तक समाप्ति है, ऐलान भी यही सी और यही असी कॉल दिती सी। असी फाजिलका तो शुरू किया सवेरे 11 बजे, तो अज असी इत्थे पहुंचे हाँ, बहुत अमनमई शांतमई तरीके दे नाल इत्थे मार्च पहुंचे हैं। बाजारां दे विच लोगों ने अपनी दुकानों चो बाहर आके, पिंडां विचों लोगों ने बाहर आके लंगर भी लाए, तो साडा धन्नवाद भी किया और ये भी सानू कहा कि जो तुसी कह रहे हो असी उहदे ते डट के पहरा देवांगे। देखो असी संतुष्ट उदो होंगे, असी हाँ लड़ाई लड़न वाले, जदों लोगों की संतुष्टि होंगी है। हुण सारिआं नूं पता लग गया कि गुरु ग्रंथ साहब जिन्हां ने चोरी किया सी जां जिन्हां ने बेअदबी की वह फड़े गए ने ते जेल दे विच ने, सानूं संतुष्टि है। जदों कोई भी सरकार चंगा काम करूगी तो फिर चंगे नूं चंगा कहांगे, पर अजे साडा ढिड नहीं भरिया, अजे बिल्कुल कुछ भी नहीं होया, बिल्कुल बहुत थोड़ा होया, अजे बहुत कुछ बाकी है। असीं कांग्रेस सरकार नूं भी एक मौका दिता है कि उह क्योंकि उन्हें गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी दे विच आके सहु चुक के कहा कि असीं इंसाफ करांगे, असीं वेख रहे हैं हाले मोर्चा जारी है, अजे खत्म नहीं होया। दस दी कि बरगाड़ी कोटकपुरा ते वैवल कलां गोलीकांड का मुद्दा सिखां दीआं भावनावां नाल जुड़िया, क्योंकि अक्तूबर 2015 नूं शांतमई ढंग नाल बैठी सिख संगत उत्ते गोली चला दित्ती गई सी, जिस च दो सिखां दी जान चली गई सी। पर हुण सिख संगत वल्लों कीता जा रहा प्रदर्शन अकाली दल दी वोट बैंक उत्ते भी वड्डा असर पा सकदा है। मुकतसर तो तरसेम टुड्डी की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी।